हमारा आज का टॉपिक है कि द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई जब अपने अंडे दरख्तों के पत्तों पर देती है तो उन एग्स में से कैटरपिलर्स का जन्म होता है। कैटरपिलर सबसे पहले उस एग शेल को खाना शुरू करते हैं जिसमें से वो पैदा होते हैं। इसके बाद ये पत्तों को खाते हैं ताकि ग्रोथ कर सकें। कैटरपिलर्स अपनी स्किन को बढ़ाने के लिए उसको हरकत देते रहते हैं। जब कैटरपिलर्स काफी हद तक बड़े हो जाते हैं तो ये खाना बंद कर देते हैं। इसके बाद ये अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और इस स्टेज को क्रिसेलस कहा जाता है। इस स्टेज पर कैटरपिलर्स को प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा बगैर किसी हरकत के कुछ दिन क्रिसेलस में रहते हैं। क्रिसेलस के अंदर प्यूपा में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं। पंद्रह दिन के बाद एक खूबसूरत नौजवान बटरफ्लाई क्रिसेलस से रोनुमा होती है।